बाबा साहब गोडसे के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। इतिहास के साथ जो ये छेड़छाड़ करने का मामला है वो नहीं हो सकता। वो राजकमल प्रकाशन का मैंने किताब को बैन करने के लिए कहा। देखिए अब वो कह रहे हैं कि गांधी जी की हत्या से खुश थे अम्बेडकर। बहुत सारी बात आज बता रहे थे शिक्षा मंत्री को कि आप सिलेबस में ये डालिए तो प्रकाश वाल्मीकि को पढ़ाइए, बाबा साहब अम्बेडकर कार्यालय से कास्ट पढ़ाइए, बहुत एक बड़ा रेंज था आपका। वो क्या पसंद था? शायद आप रामचरित मानस को भी रेफर कर रहे थे कि आप जो ये हंगामा। नहीं, मेरा कहने का मतलब था कि हम राम है, रामचरित मानस है, ये आस्था का विषय है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है? आप क्यों छेड़छाड़ कर, मानने का चीज है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए, आपकी मर्जी है। नमस्कार। भाजपा के शायद ही किसी नेता को आपने सुना होगा कि नाथूराम गोडसे को इतिहास का खलनायक सीधे सीधे मानता होगा। आज बिहार विधानसभा में नाथूराम गोडसे के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक इंजीनियर ललन कुमार करजे, उन्होंने एक किताब राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित एक किताब के खिलाफ बोलते हुए, उस पर बैन लगाने की मांग करते हुए सदन को बताया कि इस किताब में बाबा साहब अम्बेडकर को नाथूराम गोडसे के साथ खड़ा किया गया है, गांधी जी के हत्यारे के साथ खड़ा किया गया है। आज शिक्षा बजट पर बोलते हुए इंजीनियर ललन कुमार ने बहुत सारी ऐसी बातें की साहित्य को लेकर के, दलित साहित्य को लेकर के, दलित साहित्य अकादमी को लेकर के, सिलेबस को लेकर के शिक्षा में, जो निश्चित तौर पे हम सबका ध्यान खींचती है। राजकमल प्रकाशन ने किताब छापी है, बिहार के पुस्तकालयों में पहुंची है वह किताब, गांधी को किसने मारा। एक साहित्यकार है अशोक पांडे, उसने किताब लिखा है, ये किताब है अध्यक्ष महोदय, किताब लिखा है उसने, साहित्य उनसे साहित्य लिखवाया जा रहा है। उसने गांधी जी को मारने वाले गोडसे के साथ बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा कर दिया, उनके लिए गालियां लिख रहा है, हृदयहीन बता रहा है, कृतज्ञ लिख रहा है। बाबा साहब की एक चिट्ठी के सहारे उसने मनमांभी पंक्तियां लेकर मेरे पास गांधी को मारने वाला किताब भी है, और माई साहब सविता अम्बेडकर को अब तक अम्बेडकरवादी बाबा साहेब और गांधी के अच्छे रिश्ते के लिए रेफर करते हैं, वो किताब भी अंदर दर्ज है। माननीय मंत्री महोदय, इसी किताब से अंक निकाल करके और तोड़ मरोड़ के बताया गया है, देखिए क्या हो रहा है। कल इसके लिए आप हमें जिम्मेवार ठहराएंगे। राजकमल जैसे प्रकाशकों की क्या रुचि है उनसे किताब लिखवाने की, जो बाबा साहब को, महात्मा फुले को आए दिन सोशल मीडिया में गालियां देते हैं, प्रकाशक को अनिता भारती, असंग घोष जैसे बड़े लेखकों ने पत्र लिखा, पूरा मामला आपकी पार्टी की मैगजीन राजद समाचार में छपा है, वो मैगजीन राजद समाचार में आपको छपा है, इसको कभी पढ़वा भी लीजिए, पूरा मामला ये राजद समाचार में छपा है। ऐसे किताब पुस्तकालयों में पहुंच कर बच्चों को गलत जानकारियां दे रहा है, इन पर नजर रखिए, इस किताब को अपने हाथ हटवाइए, बैन करिए। लेकिन आज आपने हिंदी साहित्य को समर्पित शिक्षा बजट पे भाषण दिया, तो ये क्या मुद्दा है, और खासकर गोडसे के खिलाफ पहली बार मैंने जो कहा, जैसा कहा साफ साफ, ये क्या प्रकरण है जो आप, और क्यों शिक्षा मंत्री को आप ये क्या कहना चाह रहे हैं? हम मुझे ये कमल प्रकाशन के राजकमल प्रकाशन के खिलाफ का मामला है कि जो व्यक्ति, जो उनके लेखक हैं, जो व्यक्ति बाबा साहब पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करता हो सोशल मीडिया में, जो महात्मा फुले को बोलता हो, जो मैं उनके खिलाफ बोलता हो, और वैसे व्यक्ति से किताब लिखवाना, और गोडसे अलग हैं, उनका अलग कैरेक्टर है, बाबा साहब अलग हैं, और बाबा साहब गोडसे के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। इतिहास के साथ जो ये छेड़छाड़ करने का मामला है वो नहीं हो सकता। वो राजकमल प्रकाशन का मैंने किताब को बैन करने के लिए कहा। देखिए अब वो कह रहे हैं कि गांधी जी की हत्या से खुश थे अम्बेडकर, एक साथ ये भी करे, दूसरी तरफ करे कि हृदयहीन थे, कृतघ्न थे, गांधी जी ने उनको मैंने संविधान सभा में भिजवाया था, ये सब था। मैं दूसरी चीज कि कोई व्यक्ति जब गांधी जी का जान बचाने के लिए, गांधी जी जब भूख हड़ताल किए हुए थे, जो पूना पैक्ट करना पड़ा, जिसके लिए उन्होंने वो सेपरेट इलेक्टोरल रोल के मांग का सबसे महत्वपूर्ण मांग जो आज भी चर्चा हो रही है, महाराष्ट्र में गीत गाया जाता है, गीत गाया जाता है कि माई साहब से, ये बाबा साहब से जो महिलाएं मांग कर रही हैं,
जी जी, खासकर कस्तूरबा मांग कर रहे हैं कि मेरा सुहाग बचाओ। बिल्कुल, तो इस तरह का गीत। तो बाबा साहब जिस महात्मा गांधी का जान बचाने के लिए वो पूना पैक्ट का समझौता करते हैं, सेपरेट इलेक्ट्रॉल जैसे महत्वपूर्ण जैसे मुद्दे से समझौता करते हैं, वो बाबा साहब की हत्या से कैसे पूछ सकते हैं। सिलेबस देखिए क्या पढ़ाया जा रहा है। बहुत से लोग हैं, महापुरुष हैं, जिनके यहाँ हमारी समतावादी सोच, उन्हें पढ़ाइए। बाबा साहब अम्बेडकर को हर स्तर पर पढ़ाइए, उनके काम पढ़ाइए, एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ाइए, महात्मा फुले को पढ़ाइए, सावित्रीबाई फुले को पढ़ाइए, तिलका मांझी को के बारे में बताइए, बाबू जगजीवन राम के बारे में बच्चों को बताइए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को बताइए। बताइए बिस्मिल्लाह खां कहां से आते थे, कैसे संगीत के महारथी बने, किसी और को नहीं, भागवती देवी जी की जीवनी पढ़ाइए, आपकी ही पार्टी की थी, मुसर समाज से, गरीब समाज से आती थी, भागीरथी देवी जी हैं, इनके संघर्ष पढ़ाइए, इन्हें हमारी पार्टी ने 5 बार विधानसभा में भेजा है, दशरथ मांझी जी जो बिहार के श्रम और प्रेम चेतना के प्रतीक हैं, इन्हें पढ़ाइए, सदे राम विलास पासवान जी के साधारण परिवार से चलकर देश की सेवा में जीवन लगा दिया, बाबा साहब के मिशन के लिए काशी राम जी ने, इनको पढ़ाइए, ओम प्रकाश बाल्मीकि को पढ़ाइए, तुलसी राम को पढ़ाइए, कौशल्या वैष्णत्री को पढ़ाइए, रामधारी सिंह दिवाकर को पढ़ाइए, नए लोग भी हैं, रजनी तिलक को सिलेबस में रखिए, वंदना टेटे हैं, बहुत से बिहार में गुमनाम महापुरुषों की कहानी खोजिए, पढ़ाइए, आपकी पार्टी ने ही ऐसे महापुरुषों का अंक निकाला है, राजद समाचार में अंक निकाला है, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में, इन्हें पढ़ाइए। पूर्ण जैसे मुद्दे से समझौता करते हैं, वो बाबा साहब की हत्या से कैसे पूछ सकते हैं। लेकिन आप बहुत सारी बात आज बता रहे थे शिक्षा मंत्री को कि आप सिलेबस में ये डालिए, ओम प्रकाश बाल्मीकि को पढ़ाइए, बाबा साहब अम्बेडकर का एनालिसिस ऑफ कास्ट पढ़ाइए, बहुत एक बड़ा रेंज था आपका, वो क्या प्रसंग था? शायद आप रामचरितमानस को भी रेफर कर रहे थे कि आप जो ये हंगामा। नहीं नहीं, हम मेरा कहने का मतलब था कि हम राम है, रामचरितमानस है, ये आस्था का विषय है, उसके साथ छेड़छाड़ करने की क्या जरूरत है, आप क्यों छेड़छाड़ कर, मानने का चीज है, आप मानिए चाहे नहीं मानिए आपकी मर्जी है, लेकिन जो मानता है आपके इनके इस बयान से मानने वाले के आस्था पर ठेस पहुंची है, उनको तकलीफ हुआ है, तो आपको ये सब करने के बजाय करने के लिए बहुत कुछ है, आप उधर ध्यान देकर के अपने सिलेबस पर ध्यान दीजिए कि क्या पढ़ाया जा रहा है, हमने कहा कि बहुत सारे महापुरुष हैं उनको पढ़वा लीजिए ना, तो अपने आप रामचरितमानस, आप ही की पार्टी की भागीरथी देवी है, देखिए उनके संघर्ष को, हमारी पार्टी की भगवती देवी है, मैंने उनकी पार्टी का भागवती देवी हमारी पार्टी से भागवती देवी 5 बार विधायक बनी, हमारी पार्टी ने भेजा, बड़ा अच्छा भाषण भागवती देवी का बहुत अच्छा भाषण शिक्षा बजट में देखिए। अब आप हमने कहा कि आप श्रद्धे रामविलास पासवान जी को पढ़ाइए, किस तरह से उस युग में एक गरीब परिवार से आते थे, नौकरी की क्या अहमियत होती थी, नौकरी छोड़ करके राजनीति में आई, देश के लिए कितना काम किया, आज भी उनको जाना जा रहा है, आप देख लीजिए जो उत्तर प्रदेश जैसे पर जो है दलित राजनीति चेतना पैदा करना, पूरे देश में एक दलितों के अंदर सत्ता की चाहत पैदा करने वाले सरदे काशीराम जी को पढ़ाइए, पढ़ाने के लिए दशरथ मांझी को पढ़ाइए। मिलाकर आप ये कहना चाह रहे थे कि रामचरित मानस वगैरह पे हंगामा खड़ा करने की जगह आप बच्चों को मानस निर्माण करिए। हाँ, आप बच्चों का एक समता मूलक मानस निर्माण करिए। राज्य के सभी अकादमियों में, संगीत साहित्य अकादमियों में, पुरस्कार समितियों में SC/ST/OBC माइनॉरिटी की महिलाओं को शामिल करिए, ये समाज के हाशिए के लोग हैं, जरूरत है राज्य के गौरव के गुराह रहे शोध संस्थानों को पुनर्जीवन देने की, नए शोध संस्थान खोलिए जहां ज्ञान का साक्षात्कार हो, उत्पादन हो। पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल देश का पहला राज्य है जिसने दलित साहित्य अकादमी का स्थापना की है, उसका अध्यक्ष दलित साहित्यकार और वर्तमान विधायक मनोरंजन व्यापारी को बनाया गया है, वे कोलकाता में कभी रिक्शा चलाते थे, आज देश के बड़े साहित्यकार हैं। आप भी बिहार में दलित साहित्य अकादमी खोलिए, यहाँ भी बड़े बड़े साहित्यकार हैं। साहित्य अकादमी की नहीं, मैंने हाँ मैंने कहा कि भारत का पहला राज्य पश्चिम बंगाल है, वहाँ पर जो है कि दलित साहित्य अकादमी का स्थापना की, आप करिए, आप दलितों साहित्य की तो चीज है, आज साहित्य आप आज मैंने मंत्री जी बोल रहे हैं, प्रोफेसर है, साहित्य पढ़ के ही तो बोल रहे हैं, आज उनकी आस्था खत्म हो गई तो साहित्य ही उसके लिए है, और कहीं से नहीं उनको कि ये है साहित्य है, किसी की आस्था है तो वो भी दूसरे तरह का साहित्य पढ़ा है, लेकिन आप तो अपने अनुरूप उनको पढ़ाइए,
आज दलित साहित्य की वहां पर स्थापना हुई है, वहां पर देखिए कि ऐसे व्यक्ति को विधायक है, और वो कभी रिक्शा चलाते थे, मनोरंजन व्यापारी जी कभी रिक्शा चलाते थे, आज वहां से महिला उपाध्यक्ष हैं, हाँ अभी अभी मैंने विधायक हैं अभी वहाँ सत्तारूढ़ दल में, अभी वो बड़े मैंने साहित्यकारों में से एक हैं। इनसे ये सब चीज करने की जरूरत है, करना चाहिए, कहने की जगह करने की जरूरत है रहा है। हम लोगों ने सबसे बड़ी बात क्या है, ये कह रहे हैं आज पंचायत स्तर पर इन्होंने कर दिया, प्लस टू स्कूल खोल दिया, न मैं उसमें शिक्षक है न संसाधन है क्षेत्र के, लेकिन उसका फायदा आसपास के बच्चियों को, खास करके बच्चियों को हो रहा है, वो घर बैठे ले रहे हैं, इंटर की डिग्री ले रहे हैं। लेकिन आप बताइए हमारे यहाँ सरकार की योजना है अनुमंडल स्तर पर वो डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जबकि अनुमंडल स्तर पर डिग्री कॉलेज में एडमिशन का मुश्किल से 200 से 2500 ये जो है कि विद्यार्थियों का एडमिशन हो पाता है, लेकिन पास कितने करते हैं, 8000 10000 7000। ये सरकारी व्यवस्था करके आगे पढ़ाई नहीं पढ़ पाए। तो हमने पहले भी डिमांड किया कि आपको पूरे राज्य में प्रखंड स्तर पर करना चाहिए। मेरे विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है। अब बताइए कि बच्चियां भागलपुर जाएंगी वहां से, मैंने वहां पर कोई रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, ट्रेन से जाना है, इतना कठिन यात्रा करना है कि आप उसके हृदय विदारक यात्रा है, वो यात्रा करने के डर से वो पढ़ नहीं पा रहे, उनकी पढ़ाई छूट रही है। तो रामचरितमानस विवाद से, विवाद तो नहीं था, रामचरितमानस को लेकर के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने जो सवाल उठाया था, जो आवाज़ उठाई थी, वो हिंदी पट्टी का एक डिस्कोर्स बन गया था, लेकिन आज इशारों इशारों में भाजपा के विधायक इंजीनियर ललन कुमार ने उन्हें एक और विमर्श में एड ऑन कर दिया, बल्कि उन्हें एक शिक्षा ही दे दी शिक्षा मंत्री को कि हंगामा मत खड़ा करिए, आप जो समझिए कि सिलेबस के जरिए किस तरीके से मानस बनाया जाता है, लाइब्रेरियों में कौन सी किताबें पहुंच रही हैं, किस तरह से साहित्य का कैनन बनता है, आखिर कौन से लोग किस रामचरित मानस हो या किसी भी ग्रंथ को, मनुस्मृति हो या किसी भी ग्रंथ को, कैसे लोगों के मानस में भरते हैं, तो उसके अल्टरनेटिव पर विचार करिए। इस उद्देश्य से आज ललन जी का भाषण था, और इसी लिहाज से मुझे भी एक बहुत सोची समझी साजिश के तहत मैं बता रहा हूँ कि कमल प्रकाशन जैसे लोग, सोची समझी साहित्य थे, राजकमल प्रकाशन जैसे सोची समझी साहित्य के तहत मैंने महापुरुषों के जो मैंने कैरेक्टर्स को खराब कर रहे हैं, और ये इतना ही नहीं, ये कर रहे नहीं, और सरकार खरीद रही है, करोड़ की बजट होती है, सरकार खरीदे, एमपी ने खरीदे, एमएलए खरीदे, सरकार तरफ से खरीद हो रही है, और सरकारी संस्थानों में पहुंच रही है, ये सरकार मैंने ये सरकार के नाक के सामने हो रहा है, इन पर तो मैं एक बैन करने की मांग कर मैंने किया है, और इसके लिए आगे भी जो करना करेंगे, सरकार से अलग से भी बात करेंगे। और समितियों में महिलाओं की भागीदारी, खास करके एससी ओबीसी की भागीदारी, ये काल की भी मुहिम, ये दलित संघ की मुहिम रही है, और कई संगठन, अम्बेडकरवादी लेखक मंच, अखिल भारतीय दलित लेखिका मंच, और संबुद्ध महिला संगठन, जैसे कई संगठन पिछले दिनों 5 अगस्त को दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में काफ़ी सारी महिलाओं ने सिग्नेचर करके प्राइम मिनिस्टर से भी ये मांग की थी कि सभी समितियों में जो अकादमिक संस्कृति की अकादमियां हैं या साहित्य की अकादमियां हैं, वहाँ एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के महिलाओं को शामिल किया जाए। इस मांग को भी विधानसभा में आज ललन जी ने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। आप धीरे धीरे शिक्षा, स्वास्थ्य और साहित्य के विधायक हुए जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।